दोस्तों, आज की जो हमारी जड़ी बूटी है वह है दोस्तों एक पेड़। जी हाँ, आज हम आपको एक पेड़ से परिचित कराने जा रहे हैं। और दोस्तों, ये कोई आम पेड़ नहीं है बल्कि बहुत ही फायदेमंद है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं आपको जिस पेड़ से परिचित कराने जा रहा हूँ वह पेड़ है दोस्तों शीशम का। शीशम का लकड़ी आपने ज़रूर जाना होगा, इसका लकड़ी बहुत ही मजबूत होता है। इसका प्रयोग करके कई तरह के फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको इसके पत्तियों और इसके बीज, इसके तेल से होने वाले कुछ चमत्कारिक फायदों के बारे में बातें करेंगे। तो अगर आपको यह जानकारी जरा सा भी पसंद आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक करना हमारी मेहनत को सफल बनाता है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों शीशम के जो पत्ते होते हैं, इनके पत्तों को आप जो है लुगदी बना सकते हैं, यानी कि पीस सकते हैं। पीसने के बाद चर्म रोग यानी कि दाद, खाज, खुजली हो गया है तो वहाँ पर इसके पत्तों को छापते हैं तो दाद, खाज, खुजली में आराम मिलता है। या फिर दोस्तों, अगर आप शहर में रहते हैं, आपको इसके पत्ते नहीं मिल पाएंगे, तो दोस्तों आप इसके तेल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बीजों का प्रयोग करके तेल बनाई जाती है, तो आप इसके तेल का प्रयोग करके जहाँ पर दाद, खाज, खुजली हो गया है, चर्म रोग हो गया है, वहाँ पर इसके तेल को लगाते हैं तो खाज, खुजली में आराम मिलता है। यदि आपके पेट में जलन रहता है, बहुत ज़्यादा जलन रहता है, तो दोस्तों इसके जो पत्ते होते हैं जलन को शांत करने का काम करते हैं। क्योंकि ये जो शीशम के पत्ते हैं दोस्तों, इसकी प्रकृति ठंडी होती है, तो 10 से 15 मिली शीशम के पत्तों का रस आप ले लें, इसे पिएं। इससे पेट की जलन जो है ख़त्म होती है, पेट की जलन सही रहती है, साथ साथ इसको पीने से पेट की गर्मी भी कम होती है। इसके साथ साथ यदि घाव हो गया है, घाव जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, तो दोस्तों शीशम के पत्तों का प्रयोग करके आप घाव को ठीक कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो आप इसके तेल को घाव पर भी लगाएं तो घाव बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। इसके साथ साथ यदि एनीमिया रोग हो गया है, शरीर में खून की कमी हो गई है, तो दोस्तों शीशम के पत्ते बहुत ही फायदेमंद है। आपको क्या करना है, 10 से 15 मिली शीशम के पत्तों का रस लेने से एनीमिया में लाभ होता है। 10 से 15 ml का रस रोजाना लेने से एनीमिया में लाभ होता है। बात करें अगले फायदे की, यदि मूत्र संबंधित रोग है, जैसे कि बार बार आपको पेशाब लगता हो, पेशाब करते समय जलन होता हो, तो दोस्तों यह पेशाब संबंधित रोग का भी निवारण करता है। इसके लिए आप इसके 20 से 40 मिली शीशम के पत्तों का काढ़ा बनाएं, इसे दिन में 3 बार मरीज को पिलाएं, तो इससे पेशाब में दर्द होना, जलन होना ठीक होता है। लेकिन दोस्तों, इसका प्रयोग आपको जानकार वैद्य की निगरानी में ही करनी चाहिए। इसके साथ साथ अगले फायदे की बात करें तो दोस्तों, ये जो शीशम है, यह जोड़ों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, सूजन की समस्या हो, उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके तेल को प्रभावित जगहों पर हल्का सा गर्म करके मालिश करने से बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। और दोस्तों, इसका तेल आपको बाज़ार में इजीली मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने आपसे शीशम के तेल के फायदे, साथ साथ इसके पत्तियों से जुड़ा हुआ कुछ फायदा भी जाना। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।